हरियाणा स्थित ताजवाला हेड वर्कर से राजस्थान के हिस्से के पानी की मांग जल्द ही खत्म हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ताजवाला मामले को गंभीरता से लिया है। उधर ताजवाला हेड वर्कर्स को लेकर कल दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें राजस्थान और हरियाणा सरकार के जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में राजस्थान को पानी पहुंचाने के मुद्दे पर हल निकल सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में शेखावाटी में यमुना का पानी देने की चर्चा साल 1994 से अब तक कई बार हुई, लेकिन पानी नहीं पहुंच सका है और शेखावाटी के लाखों लोग खुद को इस मामले में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले को लेकर गंभीर हैं। जिस तरह ERCP पर सहमति बनी है, उसी तरह राजस्थान और हरियाणा के बीच ताजेवाला पर भी सहमति बन सकती है और राजस्थान को इस साल दूसरी बड़ी सौगात का रास्ता साफ हो सकता है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को मिलना है ताजेवाला हेड से पानी। यमुना नदी के सतही जल को लेकर साल 1994 को हुआ था समझौता। हरियाणा के ताजेवाला हेड से मिलना है शेखावाटी क्षेत्र को पानी। ताजेवाला से पेयजल और सिंचाई के लिए शेखावाटी को मिलना है पानी। राजस्थान को मिलना है अपने हिस्से का 1917 क्यूसेक पानी। ताजेवाला को लेकर अब तक 8 बार हो चुकी है तकनीकी बैठकें। पिछली कांग्रेस सरकार में मार्च 2022 को हुई थी CWC में अंतिम बैठक। ताजेवाला से राजस्थान दो चरणों में पानी लेने को हो गया था राजी, पहले चरण में पेयजल और दूसरे चरण में सिंचाई के पानी को। अब दिल्ली से निर्देश मिले हैं कि बैठक में तैयारी के साथ आना है। ऐसे में माना जा सकता है कि पूर्व में हुई बैठकों को देखते हुए कल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है और मामला सहमति की तरफ बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लिए यह बड़ी सौगात होगी और लाखों लोगों के कंठ यमुना के पानी से तर हो सकेंगे। दिल्ली के केंद्रीय जल आयोग में होने वाली बैठक में राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी इस बात पर राजी हो सकते हैं कि आखिर ताजेवाला हेड से राजस्थान को उसके हिस्से का 1917 क्यूसेक पानी कैसे दिया जा सकता है और कितने चरणों में दिया जा सकता है। हरियाणा के ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से के पानी को लाने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बता दें कि 1994 में हुए समझौते से शेखावाटी को पानी मिलना है। इस मसले पर अब तक 8 अहम बैठकें हो चुकी हैं। कल दिल्ली के केंद्रीय जल आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अब कुछ हल निकल सकता है ताकि शेखावाटी के लाखों बाशिंदों को यमुना का पानी मिल सके। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।